हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक परीक्षा का जो 2019 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों ने 2020 का तकरीबन सारे ही सिलेबस का मैंने आंसर की दिया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के साथ आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही लेट से आई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम जून में जो है उससे पहले मैं सारी पेपर्स को अपलोड कर दूँ। तो ये हमारा हिस्ट्री का पेपर है जो इंग्लिश वर्जन में होने वाला है। ये आपको माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो आप ये ना सोचे कि ये कुछ और है, ये आपको माध्यमिक का क्वेश्चन पेपर ही बस एक बुक के फॉर्मेट में है, ठीक है। यानी सारी क्वेश्चंस को एक जगह कंबाइन करके एक बुक को बना दिया गया है। 10 ईयर्स पेपर है ये। ओके, हम लोग देखते हैं MCQ, जानते हैं। जैसा कि हम लोग का ग्रुप ए हम लोग का MCQ होता है और MCQ में टोटल 20 सवाल रहते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोहन बगान क्लब वॉन द IFA शील्ड इन द ईयर। किस ईयर में मोहन बगान ने IFA शील्ड जीता था? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1911। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के वॉज एसोसिएटेड विथ। दादा साहेब फाल्के आप जानते हैं कि ये एसोसिएटेड है फिल्म के लिए, तो जो अवार्ड दिया जाता है ये फिल्म के लिए ही दिया जाता है। द ग्रामवार्ता पक्षिका वॉज पब्लिश फ्रॉम, ये कहाँ से पब्लिश हुई थी? तो ये कुत्सिया से, ऑप्शन नंबर सी कुत्सिया से पब्लिश हुई थी। द फर्स्ट बी एग्जामिनेशन, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट बी एग्जामिनेशन ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी हेल्ड इन, तो यहाँ पे मैंने मारा है 1858, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जब देखें कोलकाता यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो आप लोग पाएंगे कि कोलकाता यूनिवर्सिटी 1857 में बनी थी। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा BA का एग्ज़ाम होता है, BA की पढ़ाई होती है 3 साल की, यानी 1857 बन करके 1858 में एग्ज़ाम कैसे हो सकता है एक साल के अंदर में? तो बहुत लोग कहेंगे कि सर आप गलत बोल रहे, क्योंकि YouTube पे मैंने देखा था बहुत सारे टीचर्स ने इसका आंसर D बताया है, 1857 में 3 जोड़ करके 1860। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 1858 में ही हुआ था। ये मैं अपने जवाब के रेफरेंस में आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये गूगल के विकिपीडिया का है, यानी मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन विकिपीडिया गलत नहीं हो सकता। तो आपका जो 1.4 का जो आंसर है वो आंसर बी होगा, 1858 में हमारा BA का पहला एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वॉज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर MJ ब्रामले। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, तितुमीर रियल नेम वॉज, तितुमीर का रियल नेम क्या था? तितुमीर को आप लोग जानते ही होंगे, वहाबी तहरीक बंगाल में, जिसका इसका रियल नेम था मीर नासिर निसार अली। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सन्यासी फकीर रेबेलियन, तो सन्यासी फकीर रेबेलियन के लीडर का नाम बताए। तो नीचे 4 नाम दिए हैं, तो आप पाएंगे कि जो सी है देवी चौधरानी, ये सन्यासी फकीर रेबेलियन की एक लीडर में से थी। क्वेश्चन नंबर 8, द सॉन्ग बंदे मातरम वॉज कम्पोज इन द ईयर 1875 में यह सॉन्ग बंदे मातरम कंपोज किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि किसके जरिए लिखा गया था, तो हम जानते हैं इसके लिखने वाले कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये उनकी किताब आनंद मठ में लिखा हुआ था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि वंदे मातरम कब कंपोज किया गया था, तो 1875 में, किसने किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और कहाँ से लिया गया है, तो उनकी किताब आनंद मठ से ये लिया गया है। ओके, अच्छा, वर्तमान भारत वर्ष रिचन भाई, क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान भारत किसने लिखा है, इसका आंसर है हमारा सी स्वामी विवेकानंदा। इसी से रिलेटेड एक किताब और है हमारा बोर्नो परिचय, तो बोर्नो परिचय लिखने वाले हैं विद्यासागर। ओके, वर्तमान भारत स्वामी विवेकानंद और बोर्नो परिचय विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 10, गगनेन्द्र नाथ टैगोर वाज आ, वो क्या थे, म्यूजिशियन थे, ड्रामाटिस्ट थे, पोएट थे या कार्टूनिस्ट थे? इसका ऑप्शन होगा डी, वो एक कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। बोर्नो परिचय वॉज पब्लिश्ड इन, अभी मैंने बोला और क्वेश्चन आ ही गया, बोर्नो परिचय वॉज पब्लिश्ड इन 1860, बोर्नो परिचय 1860 में पब्लिश हुई थी और उसके लिखने वाले थे ईश्वरचंद विद्यासागर बोर्नो परिचय के लिखने वाले थे। ये 11 क्वेश्चन हुआ, हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट कब बना था? इसका ऑप्शन है हमारा बी 1960 में। नंबर 13,
द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वाज, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंदा। तो आप लोग ये भी देख ले कि ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था। क्वेश्चन 14 था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, कहाँ बना था कांग्रेस। देखिए ऑल इंडिया INC इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है और ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी अलग है, तो ऑल इंडिया द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी, तो ये मद्रास में बनी थी। ओके द वर्कर एंड पीसेंट पार्टी वॉज एसोसिएटेड विद, जो वर्कर एंड पीसेंट पार्टी थी किस रिवॉल्ट से एसोसिएट थी, रॉल्ट सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बरदौली सत्याग्रह। ओके क्वेश्चन नंबर 16 एन अटेम्प्ट टू असैसिनेट स्नेली जैक्सन द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड बाई, मतलब उन्हें मारने की कोशिश, एसेसिनेटेड जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर, यानी किसी का अगर पॉलिटिकल मर्डर किया जाता है तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो किसके जरिए किया गया था, बीना दास, बीना दास ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 17 द सेक्रेटरी ऑफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी वॉज, एंटी सर्कुलर सोसाइटी के सेक्रेटरी कौन थे, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कृष्णा कुमार मित्रा। उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 द विक्रम सत्याग्रह टुक प्लेस इन, ये कहाँ हुआ था, ये भी मद्रास में हुआ था। हम देख सकते हैं यहाँ भी हमारा मद्रास था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और यहाँ भी हमारा क्या है विक्रम सत्याग्रह मद्रास में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 द प्रिंसी स्टेट विच जॉइन द इंडियन यूनियन टेरिटरी प्लेबिसाइट वॉज, तो वो है हमारा जयपुर। अच्छा द प्रिंसली स्टेट का मतलब आप लोग समझ रहे, प्रिंसली स्टेट यानी ऐसा स्टेट जिसपे राजाओं का राज था, यानी जब देश आज़ाद हुआ तो जैसा अभी हम लोग कंडीशन देखते हैं वैसा नहीं था, बहुत सारे स्टेट ऐसे थे, बहुत सारे जगह ऐसे थे जहाँ पे राजा की हुकूमत थी, बादशाह चलती थी, तो उसको हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते थे। बहुत सारे स्टेट मर्ज नहीं हुए थे हिंदुस्तान के साथ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, इन्होंने मिल करके बहुत सारे स्टेट को क्या किया, हिंदुस्तान में मिलाया। ओके इसीलिए हम लोग उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और भी बहुत सारी वजह हैं। क्वेश्चन नंबर 20 द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ गुजरात वॉज मेड इन, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे जब कोई काम होता है तो उसे हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं। ओके तो ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है हम लोगों ने MCQ का टोटल 20 क्वेश्चंस देखा, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग ग्रुप बी देखते हैं, ग्रुप बी में हर तरह का सवाल रहता है, MCQ नहीं फिल इन द ब्लैंक्स रहता है आपका, मैचिंग रहता है, ट्रू फॉल्स भी आ जाता है इसमें। तो जो पहला क्वेश्चन है ये आंसर इन वन वर्ड, ग्रुप बी सेगमेंट 2.1 आंसर इन वन वर्ड, हु रोट द नॉवल गोरा, तो नॉवल गोरा लिखने वाले कौन थे, ये साइड में आप देख सकते हैं नॉवेल गोरा लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके 2.1 पॉइंट का आंसर क्या है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके 2.1.2 राइट द नेम ऑफ फर्स्ट इलुस्ट्रेटेड बुक पब्लिश्ड इन बंगाली, बंगाली में पब्लिश होने वाली फर्स्ट इलुस्ट्रेटेड बुक का नाम बताना है, तो वो है हमारा आनंद मंगल। ओके यहाँ पे आप साइड में लिखा हुआ देख भी सकते हैं आनंद मंगल। इन विच ईयर वाज द श्रीरामपुर मिशन प्रेस फाउंडेड, श्रीरामपुर मिशन प्रेस किस साल फाउंड हुआ था, किस साल बनाया गया था, तो वो हुआ था हमारा 10 जनवरी 1800 में, 2.1.3 10 जनवरी 1800। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.4.1 विथ विच मूवमेंट वाज उषा मेहता एसोसिएटेड, यानी किस मूवमेंट के साथ उषा मेहता का नाम देखा जाता है, तो वो है हमारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में उषा मेहता का नाम देखा जाता है। सेगमेंट 2.2 ट्रू फॉल्स देखना है हमारा, द एडिटर ऑफ सोम प्रकाश वाज द्वारकानाथ विश्वभूषण, क्या सोम प्रकाश के जो एडिटर थे वो द्वारकानाथ विश्वभूषण थे, तो ये बात बिल्कुल सही, ये ट्रू है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कदम्बिनी बोस गांगुली वाज द फर्स्ट लेडी टू अवार्डेड द एमए डिग्री बाय कोलकाता यूनिवर्सिटी, क्या कदम्बिनी बोस को एमए का डिग्री मिला था कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे पहले, तो हाँ ये भी बात सही, ये भी ट्रू है, यानी वन और टू हमारा ट्रू है। तीन नंबर हम लोग देखते हैं वन ऑफ द लीडर ऑफ द आर्म्ड रिवोल्यूशन मूवमेंट इन बंगाल वाज बसंती देवी, बसंती देवी का क्या नाम इस मूवमेंट में देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, बसंती देवी का नाम है हिस्ट्री में लेकिन इस मूवमेंट के लिए इनका नाम नहीं देखा जाता है। दीपाली संघ वाज फाउंडेड बाई कल्पना दत्ता, ये जो इंस्टीट्यूट है दीपाली संघ, क्या इसे कल्पना दत्ता ने बनाया था, तो ये भी हमारा फॉल्स है। तो हमने क्या देखा कि वन टू ट्रू है, थ्री और फोर हमारा क्या है फॉल्स है।
कॉलम ए को सेगमेंट 2.3 में हम लोग को कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये 2.3.1 ये मैच करता है, ये आप लोग देख सकते हैं साइड में 2.3.1 ये मैच करता है हमारा 4 से बंगा दर्शन। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वही है जिन्होंने 1874-75 में वंदे मातरम लिखा था, इनकी बुक आनंद मठ से वो मिला था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो 2.311 मैच करता है कॉलम बी के 4 नंबर ऑप्शन से बंगा दर्शन। 2.3.2 ये हमारा मैच करता है 3 से हिंदू मेला निवा गोपाल मित्रा हिंदू मेला से। 2.3.3 ये हमारा मैच करता है 2 नंबर से यानी पीसन मूवमेंट और ड्रिंक वाटर बेथुने, ये हमारा हिंदू बालिका विद्यालय इससे मैच करता है। यानी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा हमारा जो 2.3.1 है वो मैच करता है 4 से, 3.2 है वो मैच करता है हमारा 3 से, 3.3 जो है वो हमारा मैच करता है 2 से, 3.1 जो है वो हमारा मैच करता है 1 से, यानी 3, 4, 2, 1। ओके, ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये हमारा मैचिंग है तो ये से मैच करता है। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट 2.4 है ये मैप है, इसे हम लोग इंडिया के मैप में ये दिखाना है कि एरिया ऑफ संताल रेबेलियन कहाँ पर है, 127 रेबेलियन कहाँ हुआ था, इसे हम लोग इंडिया के मैप पे दिखाना है। तो ये इस बोर्ड पे करा पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं लास्ट में कोशिश करता हूँ आपको मैप में दिखा दूंगा। और नीचे में जो क्वेश्चन है वो फॉर साइडनेस कैंडिडेट ओनली, आप लोग के लिए नहीं है, रेगुलर जो कैंडिडेट है उनके लिए नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट किस एक्सप्लेनेशन से मैच करता है। तो पहला स्टेटमेंट है राम मोहन रॉय रोट ए लेटर टू द लॉर्ड एमहरेस्ट, 1823 में वो लेटर लिखा गया था, तो उस लेटर में क्या था। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 एक्सप्लेनेशन है, 3 बात लिखी गई है उस लेटर के बारे में। तो जो स्टेटमेंट से मैच करती है वो है एक्सप्लेनेशन 2, ये 2 प्रॉपरली मैच करती है 2। ठीक है, अपीलिंग टू स्पीड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, यानी वो अपील कर रहे थे कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाया जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2। ओके, स्टेटमेंट 2.5.2 स्वामी विवेकानंद रोड द बुक वर्तमान भारत, स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत लिखा था, तो इस बुक के बारे में 3 हमारा एक्सप्लेनेशन है, तो इससे कौन सा मैच करता है। तो इससे जो प्रॉपरली मैच करता है वो है हमारा एक्सप्लेनेशन 2, वर्तमान भारत हिज एम वॉज टू प्रोपागेट न्यू हिंदुइज्म, उसमें वो न्यू हिंदुइज्म को फैलाना चाहते थे। ठीक है, स्टेटमेंट 2.5.3 द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल डिड नॉट इनिशिएट एनी प्रोग्राम फॉर पीजेंट एंड वर्कर क्लास पीपल, यानी पीजेंट और वर्कर क्लास पीपल के लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो स्टेटमेंट वो किस एक्सप्लेनेशन से मैच करता है, तो एक्सप्लेनेशन 3 से प्रॉपरली मैच करता है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल वॉज बेसिकली ए मिडिल क्लास मूवमेंट। ओके, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है और उसके रिगार्डिंग जो 3 एक्सप्लेनेशन है, तीनों उसी स्टेटमेंट के से दिए गए हैं, लेकिन 2 गलत हैं और 1 सही है। तो जो सही है उसे उसमें हम लोगों को क्या करना है, टिक करना है, जो गलत है उसमें टिक नहीं करना है। तो लास्ट हमारा स्टेटमेंट 2.5.4 गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द जमींदार्स, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था जमींदार के खिलाफ। तो इसका जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो है एक्सप्लेनेशन 2। ठीक है, गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट, वो अहिंसा के खिलाफ थे, वो शांति पसंद थे, तो चूंकि ये जो पीजेंट मूवमेंट था इसमें वायलेंस था, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये था हमारा 2.5 सेगमेंट 2.5, इसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन देखा। उसके बाद जो है हमारा वो है ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। अगर अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन देने जाऊँ तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो आप लोग फिलहाल बस क्वेश्चंस देख लें, और अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ग्रुप सी में टोटल आपको 11 क्वेश्चन करना रहता है, 2 मार्क्स का, आपको 16 दिए हैं, करना 11 है, यानी 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ओके, और अगर आपको इसका का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ग्रुप सी है, और आप ये नीचे में देख सकते हैं ग्रुप डी। ओके, हाँ, ग्रुप डी में आप देख सकते हैं D1, D2 और
यहाँ पे D3 D4 करके है, तो इसमें 6 क्वेश्चन करना है, D1 में 2, D2 में 2, D3 में 2, D4 में 2, ऐसे सब में दो दो क्वेश्चन है, यानी टोटल 8 है लेकिन करना आपको 6 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार 6 क्वेश्चन कर लें, आपको D1 से 1, D2 से 1, D3 से 1 और D4 से 1 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद आप फ्री हैं, बाकी दो क्वेश्चन आपको जिसमें से करना है, जिसमें जिस डिवीजन से, जिस डी से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब में से एक एक क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वो ग्रुप ई है। ओके, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 3 दिए रहेंगे, 1, 2, 3, लेकिन करना आपको कोई एक ही है। ओके, और जो नीचे में जो है एफ, ये आप लोग के लिए नहीं है। ओके, ये भी एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए है। तो ये था हमारा आज का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर का आंसर की। आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।